जागो जागो हो मेरे चेतन, जागो हुआ सवेरा रे, अब न रही सोने की वेरा, अब सोने सी वेरा रे। उठो आत्मन, उठो। ओंकार का नाद करो, ब्रह्म शक्ति का नाद करो। मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। ओंकार का नाद मतलब ब्रह्म सत्ता का नाद, पंच परमेष्ठि में स्वरूप का नाद, अपने ऊर्ध्वगामी शुद्ध स्वभाव का नाद है यार। बड़े श्रद्धा भाव से, आत्म सिद्धि के लक्ष्य से ओंकार की ध्वनि को उच्चारण करो आत्मा। ओंकार पर ध्यान एकाग्र करो, ओमकार ध्वनि पर ध्यान एकाग्र करो। सर्वांग में देखो कैसी ज्योति जगमगाती है।
उठो आतम, उठो आतम, ओ प्यारे आतम, ओ प्यारे आत्मन, उठो 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 उठो, अपने निज स्वभाव को जानो, अपने निज स्वभाव को पहचानो, अपने निज स्वभाव में आचरण करो, अपने निज गायक पर गायक परम तत्व में आचरण करो, अपनी आत्मा, अपनी आत्मसत्ता, अपनी परमात्म सत्ता को जगाओ आत्मा, अपने ज्ञान आनंद में अपने अरूपी पदार्थ को जगाओ आत्मा, अरूपी सिद्ध पद को जगाओ, अरूपी वीतराग स्वभाव को जगाओ, अरूपी परम स्वभाव को जगाओ आत्मा, अरूपी सिद्ध स्वभाव को जगाओ, सिद्ध हम सिद्ध हम सिद्धो हम सिद्धो हम सिद्ध हम सिद्धो हम सिद्धो हम सिद्धो हम सिद्धो हम के नाद में रम जाओ आत्मा, सिद्धो हम के आनंद में रम जाओ, अपने अंतर में अपने सहज आनंद स्वभाव में, सहज आनंद स्वभाव में रम जाओ आत्मा, जिनवर तारण तरण तुम्हें जगा रहे हैं, सच्चा परम हितकारी अपना गायक का मार्ग दिखा रहा है, राह दिखा रहा है मोक्ष मार्ग, तारण तरण का उदय हुआ है चेतन आत्मा, तारण तरण स्वभाव मिल गया है, अपना परम पद आचरण में आ गया है चेतन, ध्रुव पद को जान लिया है, ध्रुव पद को पहचान लिया है, अपना ही स्व समय जाग गया है, अपनी स्व शक्ति जाग गई चेतना, जागो 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 चेतन, जागो आत्मा, जागो परमात्मा, जागो जागो अबे आत्म, गुरु जगावन है, शुद्धात्म की महिमा तुमको गुरु दिखा रहे हैं, चेत जाओ शीघ्र आत्म, अब नहीं मोह में रहो, ज्ञान स्वभावी आत्म तेरा, सिद्धो हम ही कहो कि सिद्ध तुझु ही सिद्ध भगवन है, चेतना लक्षण है प्राणी तू ही भगवन है, चेतना लक्षण है, ओ चेतनात्मा, अपने अंतर वैभव को पहचानो ज्ञानी, अपनी अंतर शक्ति को पहचानो, अपने अंतर स्वरूप को पहचानो, अस्तित्व जानो कि आत्मा है क्या आखिर, परम केवल ज्ञान प्रकाश में लोका लोक को झलकाने वाला पूर्ण दिव्य ज्योति में अपना परम तत्व परमात्मा, ये आत्मा अविचल ज्ञान में सत्ता है चेतन, अविचल अविचल, जो चलायमान नहीं होती सत्ता, अविचल ज्ञान में सत्ता, इसलिए कहते हैं आत्मा जाग जाओ, जागो जागो ओ मेरे चेतन, सतगुरु जगा रहा है रे चेतन, चेतो समय को प्रसाद लो, समय की शक्ति को पहचानो, परमात्मा पने के वैभव को पहचानो, परमात्मा की उपलब्धि को जानो चेतन, परमात्मपना परमात्म पद स्वयं में उपलब्ध होता है, स्वयं के परिणामों में परमात्मा का परम भाव प्रकाश में आता है चेतन, परम भाव में परमात्मा दर्शन देता है, शरीर की चिंता के भाव से रहित, संसार के प्रयोजन के भाव से रहित, दुनिया के राग देश के परिणाम से रहित, कसाय मोह भाव से रहित, अज्ञान कर्तत्व भाव से रहित,
परम भाव में परमात्मा का दर्शन होता है, परम परम भाव में, परमम परमम शुद्धम, परमम परमम सूक्ष्मम, परमम परमम परम परम आनंद में, परम परम सूक्ष्म, परम परम ज्ञान में शक्ति, परमात्मा 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 परमम शुद्धम, परमात्मा ममलम ध्रुवम, परमात्मा परम बुद्ध शुद्ध बुद्ध चिंतम। जागो आत्म, जागो 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 चेतन। बस सिर्फ जगाने का अभिप्राय है, आत्मा जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। द्रव्य निंद्रा से जागे हो तो भी ढंग से जागो, उंगलियाओ मत, आलस में मत पड़ो, रहो होश में आओ, सावधान बैठो। और चैतान मोह की निद्रा से जागने की तैयारी करो रे, मैं ज्ञायक ज्ञायन स्वभावी आत्मा हूं, मैं ज्ञायक ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं, मैं ज्ञायक ज्ञान स्वभावी आत्मा हूं। ऐसे ज्ञायक पने के अपने ज्ञाता भाव के बोध को जगाओ, जगाओ बोध, आत्मा परमात्मा हूं। मनोबल कम मत करो, मन का बल कम रखोगे तो हाथ पांव काम नहीं करेंगे, मन का बल पूरा होगा। मन के बल का, मन यदि अपने स्वभाव को चाहेगा, स्वचिंतन को चाहेगा, मुक्ति को चाहेगा, तो अपने आप ही जिन इच्छा उत्पन्न होगी और अपने आप ही अंतर परिणाम जागेंगे। आत्मा में एकाग्रता बनेगी, स्वयं ध्यान धारण हो जाएगा चेतन, स्वयं आत्मबल प्रकट होगा और अंतर बल से ये आत्मा उठ जाएगा, चेत जाएगा, जाग जाएगा और सावधान होके सचेत होके अपने ज्ञायक भाव में बैठ जाएगा, पर भाव से विरक्त हो जाएगा। तत्काल 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 तुरंत ही पर भाव त्यागेगा और स्वभाव में स्वचित सचेत अवस्था में आके बैठ जाएगा। चेत 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 चेत, सोता क्यों है चेत? जाग जाएगा वो चेतन, जाग जाएगा चैतन्य 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 चैतन्य। चैतन्यता ही वेदन है, वेदन ही चेतन है, ज्ञान ही अनुभव है, अनुभव ही ज्ञान है, कोई भेद नहीं है। मैं अभेद तिंकोत्कीर्ण आत्मा हूं, मैं सिद्ध स्वरूपी परमात्मा हूँ, मैं ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूँ। सिद्धो हम सिद्धो हम सिद्धो हम, तारण तरण तुम्हें कह रहा है कि तुम सिद्ध हो, तुम सिद्ध हो, तुम सिद्ध हो, तुम सोहम सोहम की शक्ति के स्वामी हो, तुम तू स्वयं भगवान है। तारण तरण तुम्हें जगा रहे, सच्चे सुख का मार्ग बता रहे, तू तो सिद्ध समान आत्मा। जागो जागो ए भगवान, जाग जाओ रे, मोह में कुछ नहीं रखा, पाप में राग में कसाय में व्यसनों में वासनाओं में कुछ नहीं है। पुद्गल को कितने ही चूसो इससे रस नहीं निकलेगा, रेत को कितने ही पेलो इससे सुख नहीं निकलेगा। इस पुद्गल की कितनी सुरक्षा कर लो, कितनी होली खा लो, कितनी दवाई खिला लो, कितने सोन हलवा खिला लो, रसमलाई खिला लो, कुछ नहीं निकलेगा यहाँ। कितने ही काम कर लो, भोग कर लो, कितना ही कुछ कर लो, रंच मात्र सुख नहीं निकलेगा, क्योंकि रेत को पेलने से कभी घी नहीं तेल नहीं निकल सकता, पानी को मथने से कभी मक्खन नहीं निकल सकता, ऐसा ही शरीर को घिसने से कभी रस नहीं आ सकता, आनंद नहीं आ सकता। कितने ही घिस लो, काम में भोग में वासनाओं में आब्रह्म में खाने में पीने में सब कर लो, तुम इससे रस नहीं निकलने वाला। चेतन आत्मा अतीन्द्रिय रस से, अतीन्द्रिय 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 अतीन्द्रिय, सब तो आत्मा में ही है। आत्मा इंद्रिय विषयों से विरक्त होके आत्म मंथन करोगे, आत्म चिंतन करोगे, स्वभाव का सहकार करोगे, तो ही आनंद रस पिटेगा आत्मा। आनंद रस, आनंद अमृत बह रहा, फिर तू क्यों दास है।
अरे मूल जल में रह के भी मछली को प्यास, कैसा पागल हुआ रे, कैसा पागल हुआ था, अपने आनंद स्रोत को नहीं पहचानता। देख 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 झिनुक तू झिनुक तू झिनुक तू, जिन वचन का श्रद्धान कर, जिन भगवान कह रहा है क्या, तू परम आनंद में है, परमानंद विलासी आत्म, परमानंद विलासी आत्म, ध्रुव अभेद अभिनाशी आत्म, ज्ञान दिवाकर ध्रुव शोधातम, चेतन लक्षण निज है आत्म, आत्म सदा जयवंत रहो, ध्रुव शोधात्म सदा जयवंत रहो। जागो रे जागो 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 प्यारे, जागो हुआ सवेरा रे, जाग क्यों नहीं रहे मोहे की नींद से, चेतन 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 चेतन, प्रेम करो रे आत्म से, प्रेम करो, लगन लगाओ आत्म की लगन लगाओ, राग करो रे निज पद का राग करो, जिन पद को जान लो रे जान लो, इससे शांति आनंद और सुख परम आनंद परमात्मा पना प्रकट होगा, पूर्ण आत्मा परम प्रकाश में ज्योति स्वरूप परमात्मा है। सिद्ध कह कर बुलाते तारण वीर रे उठो वीर रे जागो वीर रे, सिद्ध कह कर बुलाते तारण वीर रे उठो वीर रे जागो वीर रे, ओंकार वेदंती शुद्धात्मितत्वं प्रेमामि नित्यं तत्त्वार्थसार्धं ज्ञानमयं साम्यकि दर्शनेत्वं सम्यक्ति चरणं चेतन्निरूपं, सिद्धि कह के बुलाते तारण वीर रे उठो वीर रे जागो वीर रे, चेतन काया प्रमाणम तम ब्रह्मरूपम निरंजनम चेतन लक्षणे त्वम भावे अनित्यम जैन रूपम हे शुद्ध दृष्टि सम्यक् वीर्यम, सिद्ध कह कर भुलाते तारण वीर रे उठो वीर रे जागो वीर रे। अरे ये काया नहीं तू चेतन, अस्तित्ववान चैतन्य में काया है, बहु प्रेसी प्रेसी आत्मा काय, अपने शुद्ध काय शुद्ध प्रेसी आत्मा में समस्त कर्मों से निरंजन भाव से रहित अनित्य भाव से रहित ज्ञान में शाश्वत रूप स्वयं अपने अनंत सम्यक के वीर से सुशोभित, ये आत्मा ही परमात्मा है ऐसा जिनेश्वर कहते हैं, जिन्हें भगवान की वाणी में आया, जिन भगवान ने तुझे सिद्ध भगवान कह के जगाया है, सिद्धो हम का अनंत अनंत सब छाया है चेतन, सिद्धो हम की ज्योति में तुझे वार 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 ब्रह्म स्वभावी आत्मा कह के जगाया है, जीव तो ब्रह्म है ब्रह्म 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 परम ब्रह्म परमात्मा, जी तो परम ब्रह्म परमात्मा, राम जिनेश्वर भाव वाला जिनेश्वर प्रभु जिनेश्वर प्रभु, जागो रे जागो जागो
जागो चैतन्य, प्रभु जगावन है मुक्ति मार्ग में रमने का, मार्ग बतावन है ध्रुव को पहचानो आत्म निज में रम जाओ। आत्मरमण की वेला अद्भुत निज आत्म ध्याओ कि तू प्राणी भगवन है चेतना लक्षण है, तू ही तो प्राणी भगवन है चेतना लक्षण है। ओ प्यारे आत्म शुद्धातम की ले लो खबरिया, देखो 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 चेतन बीती जाए उमरिया। अब नहीं सुना रहे मोहे में चेतन, कैसे अज्ञान में अनंत आनंद काल निकल गया, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण करते करते अनंत काल निकल गए। क्यों निकल गए पता है? रे मूड तू जागा नहीं, चेता नहीं, होश में नहीं आया, तुझे परमात्म परे की चहचहाट दिखाई नहीं दी, तुझे आत्म अनुभव की ललाट दिखाई नहीं दी, तुझे ज्ञान की प्रकाश में शक्ति दिखाई नहीं दी, तुझे परम भाव में अपना आत्मा दिखाई नहीं दिया, तुझे अपना परम पद नहीं दिखाई दिया। अरे मूड हे मूड़ा तुझे अपना आत्मा नहीं दिखाई दिया। आत्मा जो ना देखे वो मूड कहलाता है, पर्याय दृष्टि ही संसार भ्रमाता है, जो निज को देखे वो ही सिद्ध हो जाता है, आत्म अनुभव ही अब पाता है, अनुभव सदा जयवंत ही है, स्वभाव सदा जयवंत ही है, जो जाने उसको शिव पद मिल जाता है, और जो जो इस सत्ता को नहीं जानता वो ही चतुर गति भ्रमाता है। ओ आत्म क्या हाँ लगे हो रे विकल्पों में, आत्म अमृत के रस कलश पार, आत्म अमृत के कलश पियो, आत्म कलश रस में ढलो, आत्मा कलश कलश परिणाम को ग्रहण करो, अपने ध्रुव कमल भाव को उपलब्ध करो, कोमल ललित है वो अपने सूक्ष्म परिणाम में अवगाहन करो। अमृत कलश ज्ञान का ढलता है, चैतन्य आत्मा निज में निरखता है, परम प्रमाणी वीत राग सुख खानी, ये जीन वाणी ही परम ज्ञान बखानी है, आत्म की महिमा ही अब मैंने जानी है, निज में ठाना ध्रुव श्रद्धानी है। अब निज में ठान के बैठ गए चेतन कि मैं तो ध्रुव आत्मा ही हूँ, ध्रुव तत्व के श्रद्धानी है, केवल ज्ञान जाएंगे सिद्ध शिला में जाएंगे और संसार परिवर्तन से मुक्त हो जाएंगे चेतन आत्मा, ध्रुव के श्रद्धानी है, ध्रुव के ध्रुव के ध्रुव के ध्रुव आत्म के श्रद्धानी है, केवल ज्ञान उपजाएंगे सिद्ध शिला को पाएंगे, मुक्ति में रम जाएंगे, अब कहीं ना भ्रमेंगे चेतन, कहीं ना भ्रमेंगे, कहीं ना भ्रमेंगे, कहीं ना भ्रमेंगे, कहीं ना भ्रमेंगे, कहीं ना उलझेंगे, हम तो अपने आत्म में सुलझेंगे। आत्म ध्यान में रत गुण शैली आरोहण करो आत्मा, सम्यक उपाकर मोक्ष पद में बढ़ेंगे,
व्रत धारण कर पाप को तजेंगे, महाव्रत ग्रहण कर आत्म भजेंगे, अब तो चिन्ह श्रेणी मार सिद्ध भगवान बनेंगे, हरि हंत दशा पिकटा फेरे सिद्ध हो जाएंगे, अब नहीं इस संसार में गोते लगाएंगे। देखो आत्मन, अब तो परम प्रसाद जागा है, अब तो गुण श्रेणी आरोहण की बात आ गई है, अब तो अपने उस परम दिव्य आत्मा की परम शक्ति को जान लिया है, जो समस्त कर्मों का घात कर, समस्त कर्मों का नाश कर, अपने परम भाव में, परम स्थिर ज्ञान भाव में अपने ही पूर्णत्व को प्रकट करने वाली है। अब तो जिन चाणी आरोहण के रहस्य को जान लिया है, अब तो आत्मरमणता के रहस्य को जान लिया आत्मा, अब तो पता लग गया है कि क्या आरोहण है, क्या रमणता है, क्या श्रद्धान है, क्या ज्ञान है, सारे रहस्य अंदर से प्रकट हो गए, सारे ज्ञान के सूक्ष्म रहस्य सब अंतर से जानने में आ गए, मोक्ष मार्ग की सूक्ष्म सूक्ष्म गहरी गहरी बातें सब आत्म अनुभव से सिद्ध है, ध्यान ज्ञान की रिद्धि भी समझ में आ गई है, ध्यान और आरोहण की पूरी सिद्धि समझ में आ गई है, सारी विधि सारे पट खुल गए हैं, एक अंतर ध्यान की सारी शक्तियां समझ में आ गई, संपूर्ण मैंपना आत्मा चतुष्टय भाव में ये सिद्धि हो गई है, चेतन अपने सिद्ध स्वभाव की सिद्धि पा ली है, और ऐसे सिद्ध स्वभाव में आरोहण करते हुए, एक से अनंत सिद्ध में आरोहण करते हुए भैया सातवें साथी से प्रमत, साथी से अप्रमत गुण स्थान से आठवें में भैया अलाकरण, सातवें से आठवें में अलाकरण अपूर्वकरण, अपूर्व अपूर्व परिणाम, अधाकरण करता हुआ अपूर्व अपूर्व करण को, आठवें गुण स्थान को ज्ञानी प्राप्त करता है, अपूर्व अपूर्व परिणामों में रमता है, अपास तक जो परिणाम नहीं हुए थे ऐसे अद्भुत अलौकिक परिणाम होते हैं, फिर अनिवृत्तिकरण में समस्त कषायों से निवृत्त होकर शुद्ध उपयोग की दृढ़ता को ठानम कुंसित स्वभावम, अपने स्वभाव को ठान लेता है, कीलय अपसहावम वीतराग ध्रुव भाव में किल जाता है, और गहरे धर्म ध्यान में टंकार ध्यान शुद्धम आत्मा की टंकार लगाता हुआ ठंकार शुद्ध सहावम अंतर की ठंकार को प्रकट करता है, ठहरता है आत्मा, और ऐसे अपूर्व अपूर्व करण के बाद अनिवृत्तिकरण परिणामों के साथ संसार के समस्त प्रपंचों से निवृत्त होकर सूक्ष्म संप्राय गुण स्थान में पहुँचता है, जहाँ समास 21 प्रकृतियों में से मात हल्की सी रोप की छाया रह जाती, बस बाकी समास 21 प्रकृतियाँ उपसमित हो जाती हैं, बहुत सी कर्म प्रकृतियाँ क्षय हो जाती है, छायक श्रेणी में सूक्ष्म लोहे की मात परिणति को छोड़ के बाकी समस्त प्रकृतियाँ क्षय हो जाती हैं, और इस गुण स्थान में जीव लोभ का क्षय करके 12वें गुण स्थान में ओ चेतन आत्मा क्षीण मोह गुण स्थान में प्रवेश करता है, और यथाख्यात चारित्र में आत्मा का निष्कषाय वेदन करता हुआ अंतर मुहूर्त में, अधिकतम अंतर मुहूर्त में समस्त घातिया कर्मों को नाश कर मोह को पूर्णतः क्षीण करने से समस्त घातिया कर्मों से मुक्त होके अरियंत दशा को उपजा लेता है, ऐसे आत्म साधना के रहस्य को जान लिया है चेतन, ज्ञान आरोहण की विधि भी जान ली है, अनमोल जिन श्रेणी कलन मुक्ति गामिनों का भाव स्पष्ट हो गया, तारण तरण देव के वचनों का रहस्य खुल गया है, आत्मा के सहकार का रहस्य खुल गया है, आत्मा रहस्यपूर्ण बातें जानने में आ रही हैं, अंतर आत्मा के रहस्य रूप साधना का सहकार हो रहा है, अब तो सब कुछ जानने में आ रहा है, अब कहाँ लगे हो आत्मा, अब तो अपने में रमण करो, अब तो अपने में रमण करो, अब तो अपने में रमण करो, अब तो अपनी सिद्धि मुक्ति के पद को पाओ, अब तो अपने स्व समय को पिकटाओ, स्व समय परमात्मा, ध्रुवता की लगन लग गई है, ध्रुवता की लगन लग गई है, सिद्ध कह के तारण तरण देव बुला रहे हैं, स्वयं का प्रभु जागृत हो गया है,
आज तक जिसे अनुभव में नहीं लिया था वो अनुभव आ रहा है। वो ज्ञान में आत्मा परम प्रकाश में अपनी शक्ति में पूर्ण दिखाई दे रहा है। ध्यान में देख रहा है तो वो दिव्य शक्ति स्पष्ट दिखाई दे रही है, स्पष्ट भाषित हो रही है वो दिव्य शक्ति, वो दिव्य ज्ञान ज्योति, वो सिद्ध स्वभाव, दिव्य आनंद सब दिख रहा है, सब जानने में आ रहा है। यही साधना है साध्य की, यही सिद्धि है। और जो इस साध्य की सिद्धि को परम ब्रह्म परमात्मा पने को सिद्ध कर लेते हैं, वे योगी जगत के प्रपंच से छूट जाते हैं। चेतन जगत के प्रपंच से छूट जाते हैं, सिद्धि मुक्ति को पिकटाते हैं। ऐसा सिद्ध मुक्त आत्मा का स्वभाव है, सिद्ध मुक्त आत्मा का स्वभाव। ज्ञानी जानता है सिद्धि संपत्तम विशेष सन्न स्वभाव, सिद्धि की संपदा से विशेष भरा लवाला ये अपना शून्य स्वभाव है। शून्य स्वभाव। ओ प्यारे आत्म 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 ही है परमात्म, आत्म ही है शुद्धात्म, आत्म ही है निजात्म, आत्म है ध्रुवात्म। जागो रे चेतन जागो, काम मोह में पागल हो रहे हो, स्वात्म सत्ता में जगाओ रे, जाग जाओ रे, अपने परम प्रमाणी आत्मा का बोध जगा लो। परम प्रमाणी सम्यक ज्ञान प्रमाण ये ज्योति जगमगा रही है अंतर में, देख नहीं रहा है कैसा अभूतपूर्व वैभव छा रहा है। अरे कैसी अलौकिक महिमा जाग रही है रे, कैसा अलौकिक आत्म तत्व का प्रकाश हो रहा है। आज तक जैसे जैसी भावनाएं आज तक उत्पन्न नहीं हुई, वैसी उत्कृष्ट उत्कृष्ट ज्ञायत की भावनाएं प्रकट हो रही। जैसे भाव आज तक नहीं बने चेतन आत्मा, वैसे श्रद्धान ज्ञान के भाव प्रकट हो रहा है। श्रद्धान की दृढ़ता को प्राप्त कर लिया आत्मा, अब निश्चित हो गया है कि सिद्ध पद उपजेगा। ठान लिया अपने अंतर में यह सिद्ध पद तो उपजेगा ही, ऐसा अंतर में सहज स्वभाव का सहकार हो गया है। ठान लिया है, अपने गहरे भाव को प्रकट कर लिया चेतन, गहरी श्रद्धा का भाव प्रकट हो गया। अब ये बात निश्चित हो गई है कि संसार परिभ्रमण की यात्रा नष्ट होगी, संसार परिभ्रमण संसार चक्र मिटेगा और ये आत्मा सिद्ध ध्रुव पद को सहज परम भाव को उपलब्ध होके केवल ज्ञान में ज्योति प्रगटा के सिद्ध मुक्त हो जाएगा। इसलिए ना रोग का बोध रहा, ना शोक का बोध रहा, ना घर पुत्र परिवार का कोई बोध रहा, बोध रहा सिर्फ एक का, ममले ममल ममले ममल अपना स्वभाव ममले ममल। ऐसा निर्णय क्या निश्चय हो गया आत्मा, गाढ़ श्रद्धा से निश्चय हो गया कि अब ममल स्वभाव पकटेगा, पूर्ण केवल ज्ञान ममल स्वभाव उपजेगा और ये ज्ञानी ममल स्वभाव के आनंद में ही रत रहेगा। ममल स्वभाव के आनंद के अलावा इसका और कोई ठिकाना ही नहीं रहेगा, इसका ठिकाना संसार नहीं रहेगा, इसका ठिकाना अपना ममल ज्ञायक भाव रहेगा। ज्ञायक 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 हो ज्ञायक अनंत ज्ञान स्वभाव में ज्ञायक 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 आत्म राम ज्ञायक ज्ञायक आत्म राम ज्ञायक ज्ञायक आत्म राम ज्ञायक में ही हम रहेंगे। हे आत्म तेरे लिए भक्ति तेरी हम करेंगे,
हे परमात्मा तेरे लिए। एक बात ही है सत्य, एक ही सत्य है। एक ही सत्य है ऊर्ध्वगामी परम स्वभाव पर भाव से रहित आत्मा। जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ जाग जाओ। शुद्ध आत्मा में ही आत्म वैभव गुरु जगावत है। अपने आत्म पद से अपना मिलन कराते हैं। मिलोत्म अनुभव अब तो चेतन गुण ठानी। आत्म सूरत में रम जा चेतन, ओ आत्म सूरत में रम जा चेतन, भूल जा सब जग घानी। तू आत्म भगवन है, चेतना लक्षण है। ओ आत्म आत्म सूरत में रम जा और जगत को भूल जा। भूल जा रे संसार में तू कभी था, संसार में तेरा कभी जन्म हुआ था, संसार में तेरा कभी परिभ्रमण हो रहा। भूल जा रे सब, भूल जा भूल जा भूल जा भूल जा भूल जा भूल जा। ज्ञान याद रखने योग नहीं है, रोग शोक पीड़ा भय याद रखने योग नहीं है। रे पागल, ये तो संसार का चक्र है। शरीर का संयोग तो संसार का चक्र है और आत्म संयोग तो निरंजन परमात्मा है। बता निर्णय का निर्णय, तुझे शरीर में सुखी होना है या निज आत्मा में सिद्ध पद में सुखी होना। कर निश्चय, निश्चय कर कि तुझे आत्मा में सुखी होना है या तुझे केवल ज्ञान में अनंत चतुष्टय अपने परम पद में सुखी होना है। निश्चय कर, निश्चय निश्चय करे अपना तू चेतन चेतन चेतन। निश्चय निश्चय निश्चय। तुझे शरीर के भोग चाहिए, शरीर की साता चाहिए, मन का रंजायमान पना चाहिए, मन का सुकून चाहिए। दुनिया तुझसे मान दे सम्मान दे, तुझे मालाएं पहनाए, तेरा नाम रटे, दुनिया तेरी आज्ञा पे चले, पूरा घर तेरे सारे पे चले, पूरी दुनिया तेरी आज्ञा माने। तुझे ऐसा चक्रवर्ती पद चाहिए, शरीर के भोग चाहिए, 96,000 रानियाँ चाहिए, या फिर चेतन आत्मा अपना वीतराग परम पद चाहिए, अपना अतीन्द आनंद सुख चाहिए। निर्णय कर ले रे, अवसर है, समय की बेला, चिंतन कर ले कि तुझे क्या चाहिए। संसार के भोग या संसार के भोग तो रोग काम विषय कसाय, ये तो रोग शोक में है, ये तो अनंत दुख के कारण है। यदि ये चाहिए तो तू संसार से कभी मुक्त नहीं होगा। और यदि शरीर अचेतन जड़ भाव से एकत्र तोड़ के मैं सिद्ध आत्मा, मैं ब्रह्म स्वभावी आत्मा, मैं वीतराग परमात्मा, यदि अंतर की ऐसी ललकार है, अंतर की ऐसी हुंकार है, ऐसा टंकार लगा रहा अपना अंतर हृदय, टंकार ध्यान शुद्धम, यदि शुद्ध शुद्ध की टंकार लगा रहा है तो ये ललकार ये टंकार अनंत कर्मों का नाश कर देगी और दिव्य ज्ञान की ज्योति अंतर से जागेगी। जागना ही पड़ेगा उस ज्योति को, दिव्य ज्ञान की ध्यान में ज्योति जगेगी और उसकी टंकार से अनंत अनंत घातिया कर्म छेओंगे, अनंत अनंत घातिया कर्म बिलाएंगे और गुप्त स्वभाव के सहकार से समस्त कर्मों का अभाव करके
जीव ऊर्ध्वगामी गमन करता हुआ सिद्ध स्थान को प्राप्त होने के लिए अग्रसर हो जाएगा। गुण शैली आरोहण करता हुआ अपने परम पद को साधु पद से भैया अरिहंत पद तक अपने परम प्रकाशमान स्वभाव के आश्रय ऊपर उठ के आ जाएगा। अर्क स्वभाव का प्रकाश, अर्कस्य अर्क अर्कस्य अर्क का प्रकाश अर्कमान है भैया। अर्क स्वयं अर्कवान है, सुल्प शून्य विंद अपना वीतराग परम पद है। ऐसे सुल्प और अल्प स्वभाव के आनंद में रहो चेतनात्मा, ऐसे सूर्य समान अपने परम प्रकाश को अनुभव करो। ऐसा ही आचार्य देव यहाँ अपने से कह रहे हैं। एक बात याद रखो कि मैं परम तत्व परमात्मा हूं, बस जाओ रे उठो, सामायिक का काल पूरा हो रहा है, टाइम बाहर का काल चक्र घूम गया और अंतर में त्रिकाली आत्मा का बोध नहीं आया तो चेतन 84 लाख परिभ्रमण करोगे। बाहर का काल चक्र घूम गया है और अंतर में स्व समय आत्मा की वर्तना चल रही है। समय काल के भेद से रहित, भूत वर्तमान भविष्य से रहित, स्व समय दिव्य आत्मा की वर्तना में रत है। दिव्य अंतरात्मा की वर्तना, दिव्य चैतन्य स्वभाव की वर्तना, दिव्य आनंद स्वभाव की वर्तना। चेतन जाग जा, तू स्वयं जाग जा। आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही आत्मा, आत्मा ही शुद्ध है चेतन। नीच भाव परिणाम कर्तृत्व वासनाओं से पूर्ण रूप रक्त होके अपने विनंद जो अनादिकाल दुख भोग रहा है, इस दुख रूप सारे संयोगों का त्याग करके सुख आनंद नंद आनंद परमानंद सहजानंद स्वभाव ही आत्म, अपने नंद आनंद में स्वभाव का सहकार करो, उत्पन्न आनंद स्वभाव का सहकार करो, ज्ञान आनंद स्वभाव का सहकार करो। जीतो रे जीतो, स्वयं को जीतो। जिन जनयति जिने, जीत लो अपने जिनेन पद को और समस्त कर्मों को जीत के सिद्ध परमात्मा अरिहंत दशा उपलब्ध हो जाओ। बस यही मोक्ष मार्ग है चेतन, और इस मोक्ष मार्ग में जो लग जाता है वो मुक्त हो जाता है। जो इतनी शुद्धता से मोक्ष मार्ग में लगता है वो मुक्त हो जाता है। जागना ही अपना उपाय है, जागते रहो। ओम नमः ओम सिद्धि नमो नमः, 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 ओम नमः वंशति 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 नमो नमः।